लार्सन एंड टब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, सापुरजी पालुंजी, एफकॉन्स या केसी इंटरनेशनल हो गया, इन सभी बड़ी कंपनियों में एक चीज कॉमन है, जानते हो क्या? वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग का पार्ट। इन सभी कंपनियों में जो प्लानिंग टीम होती है वो बहुत ही हाईली नॉलेजेबल होती है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो कवर करता है वो होता है एक प्लानिंग इंजीनियर का। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अगर चालू होती है तो सबसे पहले जिम्मेदारी दी जाती है वो एक प्लानिंग इंजीनियर को। उन्हीं का रोल होता है सारे वर्क की गतिविधि को प्लान करने का। हम जानते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर एक निर्धारित समय में खत्म करना है तो हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, जैसे रिसोर्स की प्लानिंग, मटेरियल का प्लानिंग, मैन पावर का प्लानिंग, हर चीज का प्लानिंग। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई प्रोजेक्ट चालू कर देते हो तो प्रोजेक्ट का बजट आपका सही नहीं बनता, जिससे आपका ज्यादा खर्च हो सकता है, मैन पावर एक्स्ट्रा लग जाएंगे और भी बहुत सारे लॉस उठाने पड़ सकते हैं। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लानिंग इंजीनियर किसी प्रोजेक्ट को प्लान करते वक्त उसकी स्टार्ट और एंड होने की माइलस्टोन को फिक्स कर देता है, ताकि प्लानिंग के दौरान आप उसे कंट्रोल कर सको। तो इससे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एक प्लानिंग इंजीनियर की कितनी बड़ी रोल होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। बड़ी कंपनी में हाई पोस्ट पे जाने के लिए आपको प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए, और अगर आप भी इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो एक अच्छे स्किल के साथ ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी प्लानिंग का नॉलेज जरूर होना चाहिए। तो एक प्लानिंग इंजीनियर के मेन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो उन लोगों को पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना पड़ता है, एक एक वर्क एक्टिविटी वाइज। आपको प्रोजेक्ट को मॉनिटर भी करना होता है और उसको ट्रैक भी करना होता है। कहने का मतलब यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग का शेड्यूल है वो सही ट्रैक पे तो है, या वो लेट तो नहीं हो गया, यानी कि कहीं आपका प्रोजेक्ट डिले तो नहीं हो गया, और अगर हो भी गया है तो उसे वापस से ट्रैक पे लाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या मैन पावर को बढ़ाना होगा या रिसोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ये सभी पार्ट को चेक करना होता है एक प्लानिंग प्रोजेक्ट इंजीनियर को। अब जब एक प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर का रोल इतना ज्यादा मायने रखता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो जाहिर सी बात है कि इनकी सैलरी भी बहुत अच्छी होती होगी। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ यहाँ पे एक 3 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को 60+ में पे किया जाता है। इस फील्ड में फ्रेशर्स को आराम से 35+ तक सैलरी मिल जाती है, अगर आपके पास अच्छी खासी स्किल प्लानिंग की है तो। तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये प्लानिंग हम करते किस में है, क्योंकि एक पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो हम मन में नहीं कर सकते। इसलिए ये सारे प्लानिंग को करने के लिए आपको कुछ टूल्स को यूज करना होता है। उस टूल्स का नाम है MS प्रोजेक्ट एंड P6 यानी कि प्राइमावेरा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना अच्छे से आ जाता है तो बड़ी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिलने में बहुत आसानी हो जाएगी। मिडिल ईस्ट कंट्री में या बाहर किसी भी कंपनी में आप चले जाओ, इस सॉफ्टवेयर के बिना वहां पे काम ही नहीं होता है, क्योंकि वो उसके बिना काम ही नहीं करते, बिना प्लानिंग के कोई भी प्रोजेक्ट चालू ही नहीं करते हैं। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये सारे स्किल जरूर सीखना चाहिए। सॉर्टेड एडुकेशन आप लोगों के लिए अपना न्यू बैच प्लानिंग इंजीनियर यूजिंग MSP एंड प्राइमावेरा का बहुत ही रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में स्टार्ट करने जा रहा है, जहां पर मेट्रो प्रोजेक्ट, बिलिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की मदद से आपको सिखाया जाएगा कि यहां पे आप कैसे MSP और प्राइमावेरा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन सब प्रोजेक्ट में, कैसे इन सब सेक्टर में प्लानिंग की जाती है और इन दोनों सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है। तो जिन्हें नहीं पता सॉर्टेड एडुकेशन के बारे में, मैं उन्हें बता दूं कि सॉर्टेड एडुकेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज आप लोगों को प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में विद हाई क्वालिटी कंटेंट। इसलिए इनके मिशन और विजन को देखते हुए इंडिया के एक्स-स्कीपर सौरभ गांगुली के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर पूरे कोर्स कंटेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ MSP यानी कि माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट की, जिसमें पार्ट 1 में सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक्स बताया जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, कैसे बनाते हैं शेड्यूल को, कैसे कैलेंडर बनाया जाता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट ऑप्शंस, प्रोजेक्ट रिबन्स के बारे में बताया जाएगा, WBS यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटीज, एक्टिविटी रिलेशनशिप, एक्टिविटी ड्यूरेशन, रिकरिंग टास्क, क्रिटिकल पार्ट, टोटल स्लैक, फ्री स्लैक, कांस्टेंट, ये सभी चीज क्या होते हैं और इन सबको कैसे इंप्लीमेंट करना है MSP में, ये डिटेल में कवर किया गया है। फिर फिल्टर है, शॉर्ट एंड हाइलाइट्स कैसे करते हैं, टेबल को कैसे बनाना है, फिर फॉर्मूलाज हो गया, लुकअप, इफ फंक्शन को, स्विच फंक्शन को कैसे यूज करते हैं MSP में, ये सब भी यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी डिटेल में।
पार्ट टू में आप कैसे रिसोर्स को लेकर वर्किंग करते हो उसको बताया जाएगा, रिसोर्स को कैसे असाइन करना है, उसके बाद बजट कॉस्ट को कैसे ग्रुपिंग किया जाता है, रिसोर्स में आप कैलेंडर कैसे असाइन करते हैं, इसके साथ ही रिसोर्स एनालिसिस और रिसोर्स लेवलिंग को भी हम यहाँ पर देखेंगे। पार्ट थ्री में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे और उसके प्रोसेस को चेक करेंगे, कैसे एक प्रोजेक्ट के स्टेटस को हम अपडेट करते हैं, अर्नड वैल्यू एनालिसिस, टास्क इंस्पेक्शन, स्प्लिटिंग कैसे करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पार्ट फोर में आपका आता है वर्किंग विद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इन सब प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको एक प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको एक अच्छा खासा एक आइडिया हो जाएगा कि ये सब बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम MSP का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद आता है प्राइमावेरा P6 जो कि और ज्यादा एडवांस है MSP से, जहां पर आपको प्रोजेक्ट एस्टेब्लिशमेंट कैसे करते हैं, कैलेंडर को कैसे बनाया जाता है, कैसे डिजाइन करते हैं, उसका यूज क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, एक्टिविटी स्टेप्स, एक्टिविटी टाइप्स, रिलेशनशिप, वर्क शेड्यूलिंग, असाइनिंग ऑफ रोल्स एंड रिसोर्सेज, रिसोर्स लेवलिंग, ये सब हम यहाँ पे डिटेल में सीखने वाले हैं। मतलब कि वो सब जो आप MSP में कर पाओगे वो यहाँ भी कर पाओगे, लेकिन और ज्यादा एडवांस लेवल में कर पाओगे और ज्यादा माइक्रो लेवल में कर पाओगे, ताकि आप यहाँ पर छोटे से छोटा रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर सको, छोटा से छोटा चीज आप प्रोजेक्ट का अपडेट कर सको। उसके बाद आप रिपोर्ट को इम्पोर्ट कैसे करेंगे, फिल्टरिंग, ग्रुप्स एंड शॉर्टिंग हो गई, कॉस्ट अकाउंट को कैसे मेंटेन करेंगे, एक्सपेंस को कैसे ट्रैक करेंगे, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, टॉप डाउन एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट को ट्रैक कैसे करेंगे, फिर असाइनमेंट कॉस्ट को रिकैलकुलेट कैसे करना है अगर करना पड़ जाए तो, और MSP की तरह ही लास्ट में यहां भी आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको मेट्रो प्रोजेक्ट, बिल्डिंग प्रोजेक्ट, हाईवे प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के ऊपर आपको यहां पर अच्छा खासा व्यू मिलने वाला है कि कैसे वहां प्राइमावेरा को यूज किया जाता है, कैसे इन सब बड़े प्रोजेक्ट में प्राइमावेरा को इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड एजुकेशन की अदर इंस्टीट्यूट से तो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है, सारे कोर्सेज पे ISO गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, फोन के साथ साथ वेब एक्सेस मिलता है, क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के साथ सीखने का आपको यहाँ पर मौका भी मिलता है, आप ऑफलाइन मोड में भी वीडियोस को एक्सेस कर पाते हैं, जॉब असिस्टेंस मिलती है, और सबसे खास बात की आपको यहाँ पर सॉलिड बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कोर्सेज को अवेलेबल करवाता है, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं और फैकल्टी से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अगर हम प्लानिंग इंजीनियर कोर्स की फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है इनके सारे वीडियो लेक्चर्स पे और उसमें होने वाले जो फाइल्स यूज होने वाले हैं उस पे, वैलिड ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ साथ, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मटेरियल, डेटा नोट्स, PDF, एक्सेल शीट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये वो सैंपल सर्टिफिकेट है जो आप यहाँ पे कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि इस कोर्स में इतने सारे जो आपने कंटेंट देखे उसके लिए आपको पे कितना करना पड़ेगा। आपके मन में बहुत ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर जस्ट 1999 रुपीस में ये सारे कोर्सेज मिल जाते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर आप अगले 3 दिन में इस कोर्स को ले लेते हो तो आप यहाँ पर 80% सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर में जाना है और सर्च करना है सॉल्टिड एजुकेशन, सबसे ऊपर इनका ऑफिशियल ऐप आ जाएगा, या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, मैंने ऐप को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, इंस्टॉल करने के बाद आप साइन अप कर लीजिए अपने नंबर से, साइन अप करने के बाद डैशबोर्ड में इस कोर्स को आप देख पाओगे, वहां से आप इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर सकते हो। तो 3 दिन का ऑफर है, देर ना करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो यहां पे आप नंबर देख पा रहे हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी को यहां पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तो ये कोर्स मैं आपको बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि प्लानिंग जो है वो बड़े पोस्ट पे जाने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, बिना प्लानिंग के आप कर नहीं पाओगे। बड़े पोस्ट पे चले जाओगे तो वहां पे आपको साइड पे घूम के काम नहीं करवाना है, आप एक इंजीनियर हो, आपको प्लानिंग में ही रहना पड़ेगा, तो उसके लिए ये सब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज यहाँ पे क्लियर हो गया है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।